हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज लेकर आई हूँ फॉर RBWM कंपोनेंट। यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाए और जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर किन्हीं को भी पेड कोर्स अवेल करना है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाए और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे और इतना ही नहीं, आपको वहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज MCQs, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है आपके लिए। तो जल्दी से जाए और हमारे इस पेड कोर्स को अवेल करें, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है और आपके लिए आई होप कि ये एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन और आज हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हम चैप्टर 16 में सिक्योरिटाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बैड बैंक। तो आज हम यहाँ पर बैड बैंक के बारे में जानेंगे, क्या है ये बैड बैंक, क्यों लाया गया इसको बैड बैंक को, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं बैड बैंक क्या है, एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर क्या है, ये कंपनी है जो क्या करती है, जितने भी बैड लोन्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड लोन, यानी कि जितने भी NPA अकाउंट हो चुके हैं, अब ये क्या करती है, बैंक से सारे को बाई कर लेती है ताकि बैंक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके नए लोन्स देने में और अदर बिजनेसेस में। तो ये बैंक को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं रिकवर करने में जो भी इनके NPA अकाउंट है। कैसे हेल्प करते हैं, सारे के सारे जो है NPA अकाउंट्स वाले जितने भी इनके जो भी लोन्स होते हैं ना, सबको क्या करती है बैड बैंक यहाँ पर बाई कर लेती है, उसको हम बैड बैंक बोलते हैं। अब क्यों लाया गया, क्या मतलब, क्यों, क्या कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे, तो चलिए इस बैड बैंक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जब पैंडेमिक आया था, आपको पता है पैंडेमिक के टाइम में क्या हो रहा था, कोई भी लोग वह काम नहीं कर रहे थे, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। जिस तरीके से कोविड ने लोगों की हालत खराब कर दी, यहाँ पर जॉब, बहुत लोगों के जॉब्स जा रहे थे, आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे उस टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है केओस मच गया था, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब इस समय में क्या हो रहा था, लोग बैंक्स को जो है टाइमली लोन रिपे नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोगों की तो सैलरी नहीं आ रही थी, कॉस्ट कटिंग होना स्टार्ट हो गया था, किसी किसी की हाफ सैलरी आती थी, लोग जॉबलेस हो रहे थे, कहाँ से पे करेंगे अपने लोन को। जब इस टाइम पे इतना बुरा हाल होने लगा था, तब आप देखेंगे जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उनको वापस से रीथिंक करना पड़ा अबाउट दिस बैड बैंक। अब क्या हुआ कि बजट आया, बजट कब आया अपना, 2021 टू 2022 के करीब जब अपना बजट आया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अबाउट द क्रिएशन ऑफ NARCL। अब ये NARCL क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या है, ये बैड बैंक ही है। अब इनका काम क्या था, मैंने आपको बताया बैड बैंक का काम ही होता है जितने भी NPAs अकाउंट है सारे के सारे को खरीद लेना है फ्रॉम द बैंक। तो इनको इसलिए क्रिएट किया गया कि भाई जितने भी यहाँ पर NPA अकाउंट है सबको NARCL क्या करेगी, यहाँ पर बाई कर लेगी फ्रॉम द बैंक, ताकि बैंक जो है यहाँ पर ज्यादा फोकस कर पाए दूसरे बिजनेसेस में और ज्यादा से ज्यादा लोन देने में लोगों को, ठीक है। तो अब इस बजट में इसको क्रिएट कर दिया गया। अब आप देखेंगे इससे क्या हुआ, तो आप इससे देखेंगे इसके काफी ज्यादा जो है फायदे हुए, यानी कि जितना भी लोन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था जिसको यहाँ पर रीपे नहीं कर पा रहा था जब कस्टमर, तो यहाँ पर बैंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था उसको रिकवर करना, तो इसको बैंक्स के जो है ना इसको टेंशन, जो बैंक को एक टेंशन हो गया था कि अब हम रिकवर कैसे करें इस चीज़ों को। तो इसके लिए आपको भी पता है बैंक क्या करती है, जब भी किन्हीं से लोन लेती है ना, तो यहाँ पर प्रोविजनिंग का एक फंडा होता है, मैंने आपको बताया था प्रोविजनिंग में क्या करती है बैंक, जो भी लोन देती है उसका कुछ परसेंट जो है मनी सेट असाइड कर लेती है कि इन फ्यूचर अगर NPA होता है अकाउंट, तो बैंक जो है यहां पर अपने मनी को रिकवर कर सकती है। तो इसके लिए यहां पर कुछ प्रोविजनिंग होते हैं। तो ये क्या हो रहा था, जितने लार्ज नंबर ऑफ, अगर आपके मान लो NPAs हो रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजनिंग यानी कि मनी आपको सेट असाइड करना पड़ा था, विच इज वेरी डिफिकल्ट, काफी ज्यादा डिफिकल्टी यहां पर फेस करनी पड़ रही थी बैंक को। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया, तो बैड बैंक क्या करती थी, सारे के सारे
सारे यहाँ पर एनपीएस अकाउंट को खरीद लेती थी, बाई कर लेती थी बैंक से, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि लेस प्रोविजनिंग का यहाँ पर फिर क्राइटेरिया होने लगा, बैंक कम यहाँ पर प्रोविजनिंग रखने लगी और नॉर्मल तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो जिससे काफी ज्यादा जो है आप देखेंगे बैंक की एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर बैंक की बढ़ने लगी। अब यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर सेग्रीगेट हो गया बैड लोन एंड गुड लोन, ठीक है, अब आपको पता है खरीद लिया जा रहा था एनएआरसीएल के द्वारा या बैड बैंक्स के द्वारा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो जितना बच गया वो गुड लोन्स, गुड जो आपके लोन्स थे यानी कि जिसके टाइमली ईएमआई भरे जा रहे थे, कस्टमर्स जो है अपना आराम से यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर रहे थे और यहाँ पर बैंक को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही थी, तो वो आप देखेंगे कि दोनों सेग्रीगेट हो गए, तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल हेल्थ जो थी बैंक की काफी ज्यादा अच्छी हो गई, मोर क्लियर पिक्चर हो गया, इसकी वजह से काफी ज्यादा आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी भी हो गया, दो चीजें बाइफर्केट हो गई बैड एंड गुड, तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि कौन सा आपके लिए एसेट है और कितनी अच्छी तरीके से जो है आप उस एसेट का यूज कर सकते हो फॉर अदर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है, तो ये आप देखेंगे इससे क्या हुआ रीअसर्टिंग ऑफ द ट्रस्ट हो गया। नाउ यहां पर अब हम दो चीजों को समझेंगे यानी एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल, अब इस दोनों का काम क्या है। अब मैंने आपको बताया कि बजट आया और बजट में एक नया क्रिएशन हुआ बैड बैंक का, यानी कि एक नई कंपनी का क्रिएशन हो गया, अब इनका काम ही क्या था, तो यहाँ पे इनके काम थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरीके का बजट आया था, कितने अमाउंट्स थे, सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखेंगे ये ना जुलाई 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, मैंने आपको बताया था बजट 2021 से 2022 का जो बजट रिलीज हुआ था उसमें आपको इसका क्रिएशन हुआ था, तो 2021 में इसका क्रिएशन हुआ था, इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल था कितना था 2750 करोड़। अब इसको लाइसेंस कब ग्रांट किया गया था आरबीआई के द्वारा, तो आप देखेंगे 4 अक्टूबर 2021 को इसको लाइसेंस भी मिल गया था अंडर द सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। नाउ यहां पर देखेंगे कि जो 51% शेयर था एनएआरसीएल में वो पब्लिक सेक्टर बैंक का था और रेस्ट जितने भी थे वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स के थे। यहां पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया गारंटी, कितने की गारंटी 30,600 करोड़ की गारंटी फॉर द सिक्योरिटी रिसिप्ट जो कि एनएआरसीएल के द्वारा यहां पर इशू किया जाता है। और ये क्यों यहां पर इस तरीके की गारंटी प्रोवाइड की गई थी बैंक के द्वारा, ताकि यहां पर जो एक लोन से रिलेटेड स्ट्रेस होता है, आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए एनपीए हो गया किसी का अकाउंट और आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो नुकसान तो बैंक को हो रहा है ना, इंसॉल्वेंट तो बैंक हो रहा है, मुश्किल उनको हो रही है यहां पर और भी ज्यादा लेंड करने, तो यहां पर एनएआरसीएल को यह सुनिश्चित किया गया कि आप बैंक से लोन खरीद लें, हम आपको बैक्ड कर रहे हैं, यानी कि यह बैक बाय गवर्नमेंट था कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि यहां पर आपको अगर अकाउंट्स वगैरह जो भी लोन एसेट्स हैं या जो भी रिस्क है उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, तो यह बैक बाय किसके था गवर्नमेंट के द्वारा, तो एनएआरसीएल के लिए काफी ज्यादा और इजी कर दिया इसने कि चलिए आप खरीदिए मैं आपको यहां से फाइनेंस करूंगा, मेरे द्वारा इसको बैक किया गया है, मेरे मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसका वर्थ था 30,600 करोड़ का। नाउ अब यहां पर आईडीआरसीएल, अब ये आईडीआरसीएल क्या है, क्या है इसका फुल फॉर्म, तो इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया, तो आप देखेंगे 3 सितंबर 2021 को इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, इसका कैपिटल क्या था ऑथराइज्ड, तो ऑथराइज्ड कैपिटल 500 करोड़ का था और पेड अप कैपिटल कितने का था 20 करोड़ का था। अब यहां पर आप देखेंगे दो तरीके के आपको दिख रहे हैं, यानी कि एक दिख रहा है आपको एनएआरसीएल और दूसरा दिख रहा है आईडीआरसीएल, अब दोनों का क्या काम था, दोनों के काम यहां पर अलग अलग थे, चलिए मैं आपको यहां पर दोनों के काम बता देती हूं। यहां पर एनएआरसीएल का काम क्या होता था कि आप बाई करें बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक, तो इनका काम क्या था सिर्फ बाई करना, खरीदिए लोन्स को, ठीक है, बैंक से बैड लोन्स को, और आईडीआरसीएल का काम क्या था मैनेज करना और रिकवर करना मनी जो भी एनएआरसीएल ने बाई किया है बैड लोन्स को, ठीक है, तो इनका काम हो गया था, आईडीआरसीएल का काम था कि मैनेज करें और रिकवर करें उस मनी को जितना वो रिकवर कर सकते हैं उस लोन से, ठीक है, बैड लोन से, और एनएआरसीएल का एक ही काम था खरीदते जाओ, इनका काम था आईडीआरसीएल का इसको मैनेज करना है और ज्यादा से ज्यादा रिकवर करना है। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। नाउ यहां पर आप देखेंगे
स्टेट ओन्ड बैंक यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें कितना स्टेक था IDRCL में, तो 49% स्टेक था स्टेट ओन्ड बैंक का IDRCL में, और जो रिमेनिंग आपका बच जा रहा था वो स्टेक किसका था, प्राइवेट सेक्टर जो भी हमारे लेंडर्स होते हैं उनका था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट जो है आपके, मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट थे जो जिससे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स मैंने यहाँ पर आपको बताया है, आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, काफी ज्यादा आप इस सीरीज को इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NARCL आर इनकरेक्ट। क्वेश्चंस को ऑलवेज ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट करेक्ट, ठीक है? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इट हैज बीन गिवन लाइसेंस बाय RBI, इट हैज अ 51% शेयर होल्डिंग बाय अ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि 51% यहां पर किसके द्वारा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, ठीक है? तो आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एक्ट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द RBI टू ग्रांट अ लाइसेंस टू NARCL। तो कौन से एक्ट में इसको बताया गया है, आपको पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है आपके पास ऑप्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दूसरा है कंपनीज एक्ट, तीसरा है सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट एक्ट एंड चौथा क्या है, RBI एक्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर द इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है डेटा, आपके पास है 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ एंड 2000 करोड़। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विच इज 500 करोड़, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is one of the primary benefits of a bad bank such as the National Reconstruction Company Limited, यानी कि NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited। चार ऑप्शन है, reducing provisions requirement, increasing interest rate, expanding branch networks and enhancing the market strategy। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी reducing provisioning requirements। मैंने आपको बताया था कि क्यों इसको लाया गया था बजट के अराउंड, तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी हमारे प्रोविजनिंग है, जो हम कुछ मनी यहां पर बैंक जो सेट असाइड करती थी अपने लोन से बचने के लिए, एनपीए से बचने के लिए, उसके लिए इसको यहां पर लाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द इंडियन बैंक एसोसिएशन रीकंसीडर या रीथिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब मैंने इसकी कहानी आपको बताई है, इस सवाल का जवाब आप सभी को कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। गाइस एक्टिव हो जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट, आपके पास चार ऑप्शन है, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, टू एड्रेस द इंक्रीज इन NPA, टू एक्सपेंड बैंकिंग सर्विसेज एंड टू इनहेंस डिजिटल बैंकिंग कैपेबिलिटीज। अब इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे, कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों को मैं इतनी बार बोलती हूँ कि गाइस आप लोग पार्टिसिपेट करें, अगर आप लोग जैब एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं तो प्लीज 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 पार्टिसिपेट करें, कमेंट सेक्शंस में आंसर्स डालें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कौन से यहाँ पर सीरियस एस्पिरेंट हैं जो एक्चुअली में एग्जाम के लिए यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता होगा, तो आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सही गलत क्या जवाब आ रहा है मुझे भी तो पता चलना चाहिए, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे कहां पर, कमेंट सेक्शंस में। चलिए अब हम लोग यहां पर कुछ कोर्सेज रिलेटेड बात कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको हमारे कोर्सेज वगैरह के बारे में बात करनी है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस गिवन नंबर। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल आईडी यहां पर डाल रही हूं आप लोगों के लिए, hello@edutech.co.in पे, ठीक है? आप लोग इसी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।